बीस 150 पे चलो तू साले। अगली बार अगर मिसाइड हो गया ना मैं चुपके आगे जाके रिटर्न चला जाऊंगा, एक कॉल भी नहीं करूंगा। मैं तेरे पीछे भगा रहा हूं, ड्राइवर बनाया ये भाई सीधा गया। ओए उधर रास्ता बंद था कि नहीं था भाई? क्या बोला रास्ता बंद नहीं है तो कैसे कंफ्यूजन होगा? मैं तो ये बोल रहा हूं अगर कल मेरा पेट खराब हो गया मैं तो सीधा यहां पे पुलिस होके चला जाऊंगा, बोलूंगा साले ये होटल बंद कर दो। लेट तो हो ही चुका है वैसे भी, अब देखते हैं कि वो लोग कहाँ पे पहुँचे हैं। 6 बजने वाला 4 बजे का प्लान था यार निकलने का, बहुत आलसी दोस्त है मेरे तो ट्रिप को भी जीरो कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग जे आर सिक्स मोटो व्लॉग। तो दोस्तों हम आज जा रहे हैं उज्जैन मंदिर, वैसे आज तो नहीं पहुँच पाएंगे, शायद तक कल ही पहुँच पाएंगे क्योंकि कुछ 500 या तो 600 किलोमीटर है और हम लोग का प्लान था 4 बजे निकलने का और ऑब्वियसली हम लोग हमेशा की तरह लेट हो चुके हैं। अभी कुछ टाइम हो रहा है, 6 बज चुका है, तो हम लोग 2 घंटे डायरेक्टली लेट है और प्लान था HP के पेट्रोल पंप पे मिलने का, लेकिन पता नहीं अभी क्या है मतलब। तो मैं तो पहुंच चुका हूँ मस्त, मेरा गियर अब सब कुछ मतलब अच्छे से मैं रेडी हूँ, 3 दिन का मैंने कपड़ा भी पैक कर लिया है तो बस इसको लेकर अभी मैं जाऊँगा और आराम से घूमूंगा। ये लोग भी आ गए, वाह 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 क्या बात है, मतलब क्या बोलूँ मैं इतनी जल्दी भाई, बस 2 घंटा तूने वेट करा है, बस 2 घंटा समझ रहा है? 4 बजे निकलने का प्लान था 4 बजे। तो मैं बता दूं शुभम को तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, जावा वाले भाई हमारे नए हैं और हम लोग मुंबई भी एक बार मतलब जा चुके हैं 1-2 बार साथ में, बस उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था और भाई के साथ में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, बाकी अभी मैं करा देता हूँ। भाई का नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन भाई बहुत अच्छा है, इतना ही मैं बोलूँगा, बाकी नाम पता चलेगा तो मैं आपको बता दूँगा। निकले ओके भाई, बाकी वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अभी तो स्टार्ट किया है वैसे, बाकी लाइक शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। बाकी अपने गाड़ी का फ़ायदा ये है कि अपने गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल है तो मुझे राइड में मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये भाई है तो हम लोग ज़्यादा भगाएंगे नहीं गाड़ी को, अपनी स्पीड लिमिट रहने वाली 80-90 की। यार वैसे एक चीज़ है कि अगर राइडिंग पे निकलते हैं ना स्टार्टिंग में तो एनर्जी स्टार्टिंग में एकदम फुल होती है और आते आते ना मतलब बंदर जैसी हालत हो जाती है कि बोलते हैं ना कि बस हो गया यार मेरा अब घर पहुँचा दे, तो वैसे कुछ हालत हो जाती है। तो पहला जो काम है मेरा फ्यूल अप कराना है मुझे, क्योंकि वहाँ पे पहुँचते शायद से पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा, तो जब तक भाव कम है तब तक फ्यूल अप करा मतलब फुल करा लेते हैं। तो ये आ गए वलसाड़ और वलसाड़ में आ गया इंडियन ऑयल, मुझे लगता है कि बस मेरा ही फ्यूल अप कराने का बाकी था। हाँ ये एक रूट है और ये नवसारी से ऐसे घूम के, तो क्या करना है, इधर से जाना है या? तो अपना इधर से जाते हैं ना, राइट वाले से। हाँ रास्ता वैसे नवसारी से जाने का प्लान था लेकिन नवसारी से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा, ओह माय गॉड ये क्या है, ओहो वाओ गैरेज देखा गाइस, गैरेज क्या गैरेज था। तो हम लोग नौसारी से पहले जाना है लेकिन नौसारी से नहीं जाएंगे, बीच में से एक शॉर्टकट आता है वहाँ से जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हाईवे नहीं मज़ा आता तो इसलिए। गाइस ये चेक करो यार, वाओ मतलब कितना ही प्यारा लग रहा है, वाह वाह अगर ऐसा रोड हो तो कितना मज़ा आएगा, मतलब तुम सीधा रोड रहे और बस दोस्त लोग आपके साथ में रहे। 84 किलोमीटर हुआ है अभी तक और 500 शायद से 516 किलोमीटर है, लेकिन पहले हम लोग उज्जैन मंदिर नहीं जा रहे, पहले हम लोग कोई और मंदिर जा रहे हैं या फिर पहले हम लोग कोई और जगह जा रहे हैं उसके बाद में जाएंगे उज्जैन मंदिर। वैसे प्लान तो एक जगह का नहीं है क्योंकि 2-3 दिन का ट्रिप है, तो देखते हैं कौन सी प्लेसेस होती है, ज़रूर आपको दिखाएंगे। बस आप लाइक शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना कि अब तक आपने जो देखा वो वीडियो कैसा लगा आपको। तो ऐसा लग रहा है ना कि शायद तक रास्ता बंद है, ब्रिज का काम चल रहा है क्या चल रहा है, ओ माय गॉड खतरनाक सच में, अगर कोई स्पीड में है ना तो डायरेक्टली जाएगा वो, तो चलो कहीं ना कहीं से तो रास्ता रहेगा। गाइस रास्ता चेक करो यार, मतलब एकदम सीधा सीधा, लाइक हम लोग कुछ 20 किलोमीटर से एकदम सीधा सीधा रास्ता जा रहा है, क्या रास्ता है, ऐसा रास्ता होना चाहिए यार, मज़ा आता है। लाइक आराम से क्रूज कंट्रोल चालू कर दो, वन टाइम की स्पीड है, आराम से गाड़ी जाती रहेगी, वाओ। एक स्टॉप लेते हैं चाय पानी का। तो ये हम लोग का फर्स्ट स्टॉप है, पता नहीं कौन सी जगह पे हम लोग,
कौन सी जगह पे हम लोग पता है? हम लोग का आइडिया नहीं, हम लोग को आइडिया नहीं हम लोग किधर है, किधर है पता चलो। चाय ले ले भाई, ठंडी हो रही है। व्यारा के आगे, व्यारा के आगे कितना किलोमीटर वैसे अभी? अभी 370 और है। बस 370 किलो, 370 ही बचा है। हाँ। कितना टॉर्क है हम लोग का? ओंकारेश्वर दूसरी जगह जा रहे हैं। अभी पहले ओंकारेश्वर फर्स्ट होता ना। समझ गए, इधर कुछ भी होता है। उज्जैन बोला, उज्जैन का बोला था नहीं, उज्जैन है प्लानिंग में पर वो कल है। आज हम लोग स्टॉप लेंगे ओंकारेश्वर पे और कल हम लोग जाएंगे उज्जैन महाकाल मंदिर। कल जाना है, आज नहीं जाना है, आज दूसरी जगह जाना है। आज दूसरी जगह जाएंगे। वैसे मैं कब से सोच रहा था कि मैं कुछ तो भूला हूँ, कुछ तो भूला हूँ, और मुझे अभी अभी याद आया, ये जो वॉच है ना, मैं इसका चार्जिंग भूल गया, और अडेप्टर भी मैं भूल चुका हूँ। तो मेरे पास पावर बैंक तो है, लेकिन पावर बैंक को मैं चार्ज कैसे करूँगा मुझे वो नहीं पता है। तो अभी भाई के पास ऑप्शन रहेगा और इसके पास भी ऑप्शन रहेगा ही, तो ये लोग के पास चार्जिंग कर लेंगे अपने। भगवान क्या इंसान है। के लिए तो ऐसा होता है, निकलने से पहले हमेशा एक बार देख लो कि आप क्या लेके जा रहे हो, क्या नहीं लेके जा रहे हो, क्योंकि हमेशा ऐसा हो जाता है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इस बार सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो इस बार जो मैं भूला हूँ वो इनके वैसे भूला हूँ, क्योंकि याद में नहीं है। अरे बाप रे, खुद भूल यार, बहाना हमारा। वैसे मैं आपको इनका नाम बताने वाला था जो कि अभी तक नहीं बताया। हाँ, आपका नाम क्या है? श्वेतांक। ओके श्वेतांक भाई, बॉबरमैन। हाँ, अपने बॉबरमैन, नाम तो याद नहीं रहेगा लेकिन बॉबर मुझे याद रहेगा, तो मैं इनका नाम भी वही सेव करने वाला हूँ, बॉबरमैन। जब मैं चालू कर रहा हूँ तो ये बंद हो रहा होगा, और जब मैं बंद कर रहा हूँ तो चालू हो रहा होगा, मतलब उल्टा हो गया। वॉइस कंट्रोल शायद से इसमें होगा, तो वो ऑफ कर दे। हाँ है ना, है। हाँ तो वो ऑफ कर देना। कैसा होता है मुझे नहीं पता। आस्क यूट्यूब भाई, वो बंदा कहाँ चला गया? कितना किलोमीटर हो गया वैसे अपने को? 193 नहीं, 183। तू हम लोग से 10 किलोमीटर पहले आया ना। ओके गाइस, वैसे 131 का माइलेज बता रहा है, तो पता नहीं अभी क्या है, पता नहीं कहाँ पे हमारा तीसरा भाई बॉबरमैन, बाकी हम लोग फाटक पे रुके हुए। बॉबरमैन नहीं, बॉबरमैन बोला मैंने, बॉबर बॉबर मत। फालतू आदमी कुछ भी सुनता है, पता नहीं कहाँ पे यार वो। ऐसा हमेशा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कि अगर तीन बंदे हो तो एक पीछे रह जाता है या तो एक बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, और बाकी के जो दो रहते हैं वो उसका वेट करते हैं। ओह माय गॉड, पता नहीं क्यों रॉन्ग साइड से जा रहा है बंदा। ऐसा ना हो जाए कि मैं सीधे जा रहा हूँ और आगे जाके देख रहा हूँ कि रास्ता ही नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी, जैसा कि सुबह सुबह हुआ था एक्चुअली में। ये चेक करो गाइस, रास्ता ही नहीं है, लाइक आई थिंक जो तक पहाड़ खोद के बना रहे इसको। अब यहाँ से मुझे राइट बता रहा है गाड़ी राइट करने के लिए, और राइट मैं कहाँ से करूँ? तो हम लोग को ना एक्चुअली ये भी इसमें इंडिकेट कर रहा है कि अपने को ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाना है, समझो इसमें ऐसा जो बता रहा है। तो समझ में नहीं है हम लोग को, तो हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए, थोड़ा सा मतलब कि 50 मीटर हम लोग आगे आ गए, तो कुछ ने उसको रिटर्न मार के, बाकी एक जो बॉबर वाला भाई है वो स्टिल अभी भी मिसिंग है, पता नहीं कहाँ है बंदा। अभी वो बंदा अपने को लोकेशन सेंड करे तो अच्छा। ओके लोकेशन आ गया, तो पता नहीं हम लोग कहाँ पे हैं। यहाँ से सादा कुछ 18 किलोमीटर दूर है, बाकी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। GoPro फुल डाउन हो चुका है, चार्ज को लगाया हुआ है, और अभी हम लोग यहाँ से गन्ने का जूस पीने वाला है। ये भी ये भाई का ही है। 150 पे चलो तू साले, ऐसा ही होता है। अगली बार अगर मिसड हो गया ना, मैं चुपचाप आगे जाके रिटर्न चला जाऊंगा, एक कॉल भी नहीं करूंगा तेरे को। भगा रहा है, भगा रहा गाड़ी को। शिवम क्या बोल रहा है? भगाने के 10 बार बोला साला, एक मैं नहीं था ये। अभी आप है ना, आप आगे, एक्चुअली मैं आप आगे चले गए थे जो मेरे को लास्ट लोकेशन सेंड किया था उसमें। अरे तो हम लोग वहाँ यहाँ पे रास्ते बीच में डायवर्जन के लिए रखा था, वहाँ पे सबसे पहले आगे कौन भाग के गया? तो अपन कितने देर रुके उधर? हाँ लेकिन हम लोग रुके, वही रूट से कंटिन्यू किया। तुम सीधा गए, डायवर्जन मारे। हाँ डायवर्जन मारे, एक कौन से भी दूसरे जगह पे जाके बैठे तुम लोग। हाँ वो थोड़ा आगे, किसको इतनी जल्दी रहती है?
जल्दी किसको है? होता है होता है होता है। ले ले जिसको ले रहा है अभी इसको इसके सर पे डाल पूरा खर्चा तेरा। तीन इधर ही है क्या? हाँ अरे अपना ही है, अपना ही है ना भाई, अपना ही है सब सब। साला नंदूर पर तो मेरे को फोन आ रहा था, तुम लोगों को फोन करा साला, तू तो फोन उठा भी नहीं रहा था भाई। तू कॉल कर रहा है अच्छी बात है, उसके बाद फोन लगा रहा हूँ भाई, तू भी फोन नहीं उठा रहा, क्या हो गया? ऐसा ना कि मैंने ईयरफोन वगैरह कुछ लगाया नहीं और मैं वैसे भी मेरे को क्या गाड़ी ब्रेक करना पड़ता है ऐसा। ये नालायक इंसान है ए साले, सब पिटूंगा ना फालतू का, बोल मत। मैं तेरे पीछे भाग रहा हूं, ड्राइवर बनाया ये भाई सीधा गया। ओए उधर रास्ता बंद था कि नहीं था भाई? क्या बोला रास्ता बंद नहीं है तो कैसे कंफ्यूज होगा? नहीं नहीं एक्चुअली लोग आ रहे जा रहे हैं, मैं तो लोग आ जा रहे हैं, मेरी बात सुनो, लोग ड्राइवर छोड़े नहीं, वो लोग आ जा रहे हैं, हम लोग ने वही ध्यान नहीं दिया बस, उसके वजह से ये भी आगे निकला, इसके पीछे पीछे मैं भी आगे निकल गया। कुछ अभी मिले साला, बहुत बहुत आगे 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 भाग रहा है। सुबह इतना सुनने के बाद मतलब तुझे कैसा लग रहा है? देख पानी वहाँ पे है, देख पानी, देख वहाँ पे सामने है, बहुत सारा पानी है। अपाचे है, एक कैमरा है, राइडर है ना, अबक मारे चैनल, माजा चैनल JR6 मोटर व्लॉग, सब्सक्राइब कर जाए। JR6 नाम है। मराठी आती नहीं है मुझे बट स्टिल मैंने ट्राई किया यार। ओके तो अपने को है ना इधर से इधर जाना है, इस साइड में अपने को जाना है। अच्छा वो बाईपास था ना डायरेक्टली, वो जो सीधा था बराबर, वो सीधा अपने को जाने का था। थैंक यू। हाँ भाई बंदे ने सामने से आके बोला यार, मतलब उसको पता चल गया कि हम लोग रॉन्ग रास्ते पे आ गए, अच्छी बात है यार। ओके तो फ्यूल अप हो गया गाइस, थर्ड वाला कर लेते हैं वैसे। ओह माय गॉड थर्ड डे, हो जा भाई हो जा। ओके वैसे ज़्यादा नहीं भगाएंगे अभी, और ये जो रेंज बता रहा है ना उसको देख के मैं खुश हो गया, क्योंकि 247 का रेंज बता रहा है, मतलब कि मुझे कुछ अभी जो मतलब अभी मुझे माइलेज शायद से अच्छा मिल रहा है, 29 का माइलेज बता रहा है, बाकी लगता नहीं मुझे क्योंकि 9.3 लीटर का मैं फ्यूल अप करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो पता नहीं कैसे मेरे को 9 लीटर का बता रहा है ये कॉन्सेप्ट, कभी कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी फ्यूल अप किया और यहाँ पे भी फ्यूल अप किया, मतलब कि वहाँ पे जो किया था वो अभी तक चला। ओके तो सही है, ठीक है कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था लेकिन सब कुछ सही है आई थिंक सो, तक लेन यहाँ से चालू रहेगा। क्या लग रहा है ना मतलब वाओ, और दिखने में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा करके गाड़ियाँ गई है, आई नहीं है वापस। रुकते हैं चाय नाश्ता करते हैं, अभी कितना किलोमीटर बाकी है? 200 अभी, तो अभी भी 200 बाकी है, वो टाइम तो अपने 215 के 220 था। ऐसा है मतलब खाली 20 किलोमीटर कवर किया क्या अपन ने? तो स्लो है इसके लिए, जो पूरा घाट है ना घाट में पहले एक जर्नी का मैंने बोला था इसके लिए हॉर्न बजा रहा था ये भाई अपना आगे आगे ही जा रहा था, अगर वापस से अपन लेफ्ट लेते थे तो अपना मेरे ख्याल से आप आगे रहते थे, कम होता था डिस्टेंस। हॉर्न बजा रहा हूँ सबसे, फ्लैश लाइट कर रहा हूँ भाई, अपने चल रहे तभी स्पीड में कार में क्या गुनगुना। शुभ अगर ओवरटेक भी मारता है ना आगे आगे थोड़ा स्लो कर लेने का, देख लेने का आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई। बस 100 किलोमीटर, बस 100 किलोमीटर, मतलब कि 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो मैप सेट कर लिया है गाड़ी में, 118 किलोमीटर बता रहा है अभी, मतलब 10 बजे तक पहुंच जाएंगे ऐसा बता रहा है, लेकिन ट्राई करेंगे कि फटाफट पहुंच जाए यार, मतलब अगर 80 का एवरेज स्पीड रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोग के लिए, बाकी देखते हैं अभी। ओह माय गॉड क्या था यार ये, अच्छा है कि मैं फास्ट में नहीं निकला तो मेरी लग जाती है अभी।
चलो यार चलते हैं, थोड़ा स्पीड अप करते हैं गाड़ी को। तो हम लोग पहुंच गए हैं कुबेश्वर धाम। ये रहा मंदिर, ये रही हमारी प्यारी बाइक, और आगे क्या करना है ये लोग बताएंगे। कब बताएंगे पता नहीं, क्योंकि पिछले 10 मिनट से सोच रहे हैं लोग। देखते हैं यार क्या होगा। तो जो रूम मतलब धर्मशाला की क्या कुछ बोलते हैं तो वो यहाँ पे अंदर ही मिलेगा, तो निकलते हैं अंदर। तो अंदर जाना है सीधे सीधे, अंदर जाना सीधे सीधे 3 नंबर काउंटर कोई है वहाँ पे, अपने को रूम मिल जाएगा रात को रुकने के लिए। ओ वाह यार बहुत सही बना दिया। लेकिन तो ये वाला आई थिंक सो तक 3 नंबर उसको पूछ लेते हैं। रूम कहाँ पे? 5 नंबर ना, ब्लैक गाड़ी के आगे। रूम नंबर 5 है भाई, ब्लैक गाड़ी के आगे। पहले सामान वामान रखते थे, फ्रेश होते, बाद में खाना खाने के लिए अंदर चलते हैं। कुबेश्वर धाम पहुंच गए हम लोग। चलेगा, रूम देख सकते हो आप। तो खाना ना खाते यार, और खाना हो चुका है, खाना ना खाते हैं। टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुका है, और मेरी वॉच का चार्जिंग मैंने लगाया, ये मैं क्या बोलूँ, मैं वॉच का चार्जिंग भूल गया मैं। चलो खाना खाते हैं। देखो बात बहुत सिंपल सी है, खाना आ चुका है, चुपचाप मार के हम लोग खाने वाले, क्योंकि सुबह से हम लोग बहुत गंदा वाला भूखे हैं। बाकी खाने की बात अगर चलिए तो मैं बहुत बता देना चाहता हूँ, सारी गलती है शुभम की है। तू भी कुछ बोल रहा था ना साथ में। मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर कल मेरा पेट खराब हो गया मैं तो सीधा यहाँ पे पुलिस होकर चला जाऊँगा, बोल दूंगा सर ये होटल बंद कर दो। तो इससे पहले जिस होटल में हम लोग गए थे ना, उधर का जो सब्जी था और दाल था उसमें कीड़े निकले, और जो रोटी था उसमें भी कीड़े निकले। तो हमारे बाजू वाला होटल है ये वाला, वहाँ पे अपना मंदिर वगैरह है, इसके जस्ट सामने वो ढाबा है, और उसको हम लोग ने बोला, बंदा बोलता है कि गलती से मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं, ऐसा लग रहा है कि बंदा जानबूझ के हमको मारना चाहता है, कि जो भी है, मतलब कि अगर कोई भी उधर जाएगा ना तो सोच समझ के जाना भाई। लूट, हाँ पैसों की लूट है बस। ये कीड़ा था और ये कीड़ा यहाँ पे है, ये जिंदा है, ये दूसरे होटल में हमारे टेबल के सामने जिंदा है। ये मेरा ही भाई था बोलता है आके। ये दूसरे होटल, ये बोलना चाहता है कि मेरा ही था। ये कीड़ा आके बोलता है मेरे भाई को उसने मार के ना सब्जी में मिलाया था, मेरा भाई था, उसको है ना इंसाफ चाहिए, तो हम लोग के थ्रू दिलवाने आया ये। शुभम इसके पंख तूने खाए कैसे लगा तेरे? मैंने नहीं खाया, तूने खाया, मेरे पास तो पूरा आया था। मेरे को क्या लगा मालूम है कि वो लहसुन है। भाई को लहसुन लग रहा था। मेरे पास वीडियो है उसमें हल्का सा दिख रहा है मैं आपको। हाँ वीडियो है उसमें पूरा, उसमें एक्चुअली हम लोग ने सोचा कि हम लोग रिकॉर्ड करे करके, लेकिन उस वक्त हम लोग के दिमाग में नहीं, हम लोग फटाफट वहाँ से निकल गए हम लोग, कि वॉमिटिंग और सब चालू हो गई थी इसकी, मेरी भी, और ये भाई तो आराम से खा रहे थे, इनको कुछ पता नहीं था। आने के बाद मतलब अभी दाल और चावल खाना है, वो टाइम पे वो हाईलाइट हो गया। ये रहा, ये रहा। ये देखो ये है कीड़ा, ये दिख रहा है इसका भाई, इसका भाई है। देखो ये इसका जो है ना भाई, ये इसका ही भाई है, ये प्रॉपर आपको दिख भी रहा होगा। ये रहा, ये ब्लॉक होने वाली है। लेकिन मैंने खाया नहीं, देख लिया उससे पहले। मेरा ऐसा था मेरे को लगा लहसुन है, जो भुना हुआ लहसुन होता है ना, तो मैंने सोचा कि दाल खा लेता हूँ फिर लास्ट में उसको खाऊंगा। फिर पता नहीं मेरा अचानक मन बन गया कि मैं पहले वो खा लेता हूँ, टेस्ट अच्छा लगता है। उठाया जैसे मुँह के पास लिया, मतलब लहसुन को पैर कब से आने लग गए। और वो भी दो, फिर मैं वापस देखा अच्छे से, बोला भाई कीड़ा है क्या? भाई बोलता है कीड़ा नहीं माँ कीड़ा है, बड़ा वाला कीड़ा है। सुबह एक बार वापस मिलना क्या बोला था? वो होटल वाले ने लास्ट का बचा कुचा खाना दिया था, इसमें कीड़े वीड़े सब था गंदा, तो उसने ऐसा सोचा होगा कि फेंकने से अच्छा इससे भी पैसे कमा, कोई कुत्ते को दे दूँ।